जाते हैं, पर आजकल का ऐसा फैशन है कि बहुत सारे लोग यू नो सेमी कैजुअल और सेमी इंडियन और सेमी वेस्टर्न पहनना पसंद करते हैं. जैसे आप देख रहे हैं, मैंने एक चोली पहनी हुई है जो ब्लाउज इज रियली रियली वेस्टर्न. यू कैन वेयर इट ऑन जीन्स ऑल्सो, यू कैन वेयर इट ऑन स्कर्ट्स ऑल्सो, पर मैंने साड़ी जेब किया हुआ है, तो ये इंडो वेस्टर्न है. आप मतलब साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं और जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे हम जानते हैं कि सभी जानते हैं, सलमान खान को जो सजा मिली है, हाँ जी, वो मुक्त हो गए, तो इस पे आपका क्या, किस तरह का रिएक्शन? मैं सलमान खान और उनकी फैमिली को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ. इनफैक्ट मुझे बहुत ही पसंद है, ही इज़ माई फेवरेट हीरो बचपन से लेके आज तक. उनको जो सज़ा मिलनी थी, जो मिलनी चाहिए, मिलने वाली है, वो आई थिंक आई मीन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग, वेल ही शुड, मतलब उनको जो सज़ा मिलने वाली थी और नहीं मिली, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ जो लॉ बोलता है वो करना ही पड़ेगा एंड वो करना ही चाहिए. वी कांट गो अगेंस्ट द लॉ. बट सलमान खान इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत ही प्यारे इंसान हैं. उन्होंने बहुत सारे लोगों को मदद किया हुआ है. इनफैक्ट रिसेंटली मुझे ये भी पता चला, मतलब हमारे जो घर में मेड्स है और हेल्पर्स है, उनके थ्रू पता चला कि वो वर्सोवा में 21 लड़कियों की शादी करके उन्होंने उनका घर बसाया है. तो ऐसा नेक नेक काम करते हैं वो, और बहुत सारे लोग, मीडिया लोगों को भी नहीं पता चलता ये सब बातें. सो ही इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग एंड आई ओनली विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई ब्लेस हिज फैमिली. बट कहीं जज लोग इस ये डिसीजन पे सहमत नहीं, कि वो कहते हैं कि जज ने गलत डिसीजन लिया है. हाँ जी, कि पैसा, जिसके पैसा है तो पैसा बोल रहा है. देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब एक्सीडेंट्स करके भी निकल जाते हैं, वो रिपोर्ट भी नहीं होते, वो गायब भी हो जाते हैं. बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है. इनफैक्ट मेरे बहुत सारे जाने पहचाने वाले लोग हैं जिनके ऊपर, मतलब जिनको चोटें लगी है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, पर वो रजिस्टर्ड भी नहीं हुए हैं. तो आई थिंक अगर सलमान खान के मतलब प्रति एक यू नो किसी ने कंप्लेन किया है एंड ऑब्वियसली ही हैज़ बीन इन सच अ बिग मीडिया अटेंशन, उनको जो भी वट एवर ही प्राइस ही हैज़ टू पे, ही हैज़ टू पे. आई थिंक आई वुड रियली 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 वॉन्ट टू थैंक ऑल द बडिंग डिज़ाइनर्स, क्योंकि मैं बहुत सारे नए नए लोगों के आउटफिट्स पहनती हूँ और शोज पे जाती हूँ और बहुत सारे इवेंट्स पे जाती हूँ. तो मैं उनको बहुत ही दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो इतना इंस्पायर होके एक्टर्स के लिए या लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए कपड़े बनाते हैं. एंड आई ओनली विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. अनिया खनुजा एंड वो मुझे इसका एक ओल्ड स्कूल विंटेज फील बहुत अच्छा लगा एंड आई लव द कलर्स. आई हैव बीन स्टाइल्ड बाय देवकी भट्ट एंड शी इज़ लवली. शी नेवर सीम्स टू डिसअपॉइंट मी, सो आई लव हर एंड आई लव व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे बाय तानिया. आई थिंक बहुत अच्छा एफर्ट है एंड आई थिंक ये चौथा साल है, तो मैं विश करूँगी कि वो हमेशा ऐसा काम, अच्छा काम करते रहें एंड विश देम ऑल द बेस्ट. सभी जानते हैं कि सलमान खान जो है अभी ओके, आपके थैंक यू. कि मैं ये जो अवार्ड मिल रहा है, मेरे लाइफ का सबसे पहला अवार्ड होगा जो मैं यहाँ लेने के लिए आया हूँ. बट बहुत अच्छी बात है कि ऐसे अवार्ड शो रहे एंड मैं उस अवार्ड शो का हिस्सा हूँ. एंड मुझे फैशन की जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत जानने का बहुत शौक है, क्योंकि मैं बहुत सब चीज़ें देखता हूँ, मैगजीन पढ़ता हूँ, तो आज मुझे वो सब चीज़ें देखने भी मिली थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. एंड हाँ, थैंक यू सो मच, आपने एबीसी का ट्रेलर जो हिट कर दिया है देख देख के, एंड आई होप मूवी भी बहुत ही अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. मैं बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि
बहुत सारे लोगों की आशाएं लगी हैं एंड दैट्स व्हाई, बट आएगी तो आपको बहुत मजा आएगा. Then thank you so much. Thanks. बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है. पर